काफी इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें। तो कितने लोगों को सोल रिट्रीवल करना है अभी मेडिटेशन? वो क्या होता है मैम सोल रिट्रीवल? सोल रिट्रीवर मतलब एक तरह से आपकी टूटी टूटी टाटी सोल को आप दोबारा से पूरा बना रहे हैं, उसको दोबारा बुला रहे हैं कि भाई जो भी पावर्स है मेरी सोल की वो वापस आ जाए। ओके मैम ओके, सभी करना चाहेंगे, आप करेंगे मैम? हम भी करेंगे। हम सब करना चाहेंगे। ओके तो सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाइए आराम से। अब लोग बैठ जाइए आराम से और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कीजिए। अपने अपने स्पेक्स निकाल दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और आराम से पीछे बैक करके बैठ जाइए। अगर पॉसिबल है तो एक कैंडल जला सकते हैं तो जला लीजिए, जस्ट लाइट वन कैंडल इफ यू वांट। सो एवरीबडी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन डीपली एंड ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप इमेजिन करिए ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए कि आप अपने अंदर एक जर्नी करने जा रहे हैं, दैट यू आर रेडी टू डू अ जर्नी विद इन योर सेल्फ। और धीरे धीरे डीपर चले जाइए। सो गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे आप सांस लेंगे वैसे वैसे आप और डीप चले जाएंगे। सो एज यू आर ब्रीदिंग इन एंड आउट यू आर गोइंग मोर एंड मोर एंड मोर डीपर। ब्यूटिफुल, यू आर डूइंग गुड जॉब। सो यू आर कनेक्टिंग टू योर हार्ट। आप अपने हार्ट से कनेक्ट करिए। आपके हार्ट में एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसको हम चैम्बर बोलते हैं। देर इज अ डिवाइन चैम्बर इन योर हार्ट। ये जो हार्ट का चैम्बर है ये बहुत डिवाइन है, गोल्डन है, ब्यूटिफुल है। और वहां पे एक ग्रिड लाइट है। सो देर इज अ ग्रिड लाइटेड विद इन। सो आपके जो भी मास्टर हीलर है, अपने गुरु उनको बुला सकते हैं जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपके गॉड एंड गॉडेसेस। सो यू कैन कॉल योर टीचर्स, योर स्पिरिचुअल गुरुज, मास्टर्स, होली मास्टर्स एंड ऑल अदर मास्टर्स एंड योर डिवाइन मदर फादर टू ब्लेस यू, टू लव यू अनकंडीशनली। कॉल देम विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर उनकी एनर्जी को महसूस कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि दैट मेरी सोल को वापस ले आइए। जो मेरी सोल के टुकड़े हैं उनको आप वापस ले आइए। सो आस्क देम और प्रे देम टू गिव योर होल
wholeness back and restore my soul. Very nice. हम आप goddesses Isis को देखेंगे जिनकी बहुत beautiful wings हैं golden color की, जो आपको protect कर रहे हैं, आपकी soul को protect कर रहे हैं. You will see beautiful golden wings of goddesses Isis, and these wings are protecting you. See huge big wings. उनके जो पर हैं बहुत बड़े हैं, गोल्डन है, डिवाइन है, और वो आपको लाइट दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और आपके हार्ट का जो सीक्रेट चैम्बर है, जो डिवाइन चैम्बर है, उसमें वो लाइट धीरे धीरे जा रही है. तो सी द चैम्बर ऑफ योर हार्ट विच इज डिवाइन, द लाइट इज शाइनिंग विद इन योर सेल्फ ऑफ गॉडेसेस आइसिस. Now you will see vibrant energy. आप एक vibration अपने heart में feel करेंगे और उसको feel करेंगे पूरी तरह से कि वो shine हो रही है, और उनके shine होने से आपके heart में vibrations हो रहे हैं और आपकी soul धीरे धीरे powerful हो रही है. Now, slowly, gradually, Goddess Isis will guide you to go more deeper and feel these vibrations and restore your soul. So, Goddess Isis आपको guide करेंगी कि आपकी जो secret chamber है, उसमें आपकी soul को दोबारा से कैसे लाया जाए और उसमें shine कैसे दी जाए. तो जब आप देखेंगे कि आपकी heart में shine हो रहा है और आपका हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो धीरे धीरे आपकी सोल आपसे कनेक्ट होने लगेगी और आप अपने हार्ट को लव फीलिंग से भर देंगे. फील योर हार्ट विद वाइब्रेंट लव फीलिंग, डिवाइन लव फीलिंग. अब आप एक ग्रिड अपनी जो हार्ट के अंदर नोटिस कर रहे थे, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे वो मूव करेगा और आपके सारे चक्रास को अलाइन करेगा, आपके सारे चक्रास को बैलेंस करेगा. और जैसे जैसे वो ग्रिड धीरे धीरे मूव करेगा, आपके हार्ट में जो सोल के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, वो वापस आने लगेंगे. सो एज दिस ग्रिड इज मूविंग, यू विल फील द ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर सोल विच वाज स्कैटर्ड बिफोर इज कमिंग बैक टू योर हार्ट एंड हीलिंग योर हार्ट. धीरे धीरे आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके ग्रिड का कोई पार्ट अभी भी टूटा हुआ है. मे फील समटाइम्स दैट सम पार्ट ऑफ योर ग्रिड इज नॉट कंप्लीट. सो डे टू डे व्हेन यू विल डू दिस मेडिटेशन, इट विल स्टार्ट कमिंग बैक टू यू. सो धीरे धीरे जब आप अपने ग्रिड का कोई पार्ट जो आपके हार्ट में है, जैसे एक राउंड शेप हो रही है, उसमें बीच बीच में ऐसे आपको लगेगा कि वो टूटा हुआ है, और धीरे धीरे जब आप रोज से मेडिटेशन करेंगे, वो जुड़ता चला जाएगा. धीरे धीरे आपकी सोल के टुकड़े वापस आ जाएंगे. और अपने हार्ट का आप वॉइस भी सुन पाएंगे, जो म्यूजिक है आपके हार्ट के अंदर, वो गॉडेस आइसिस आपको सुनाएंगी. So you can hear the music of Goddess Isis and you will see the vibration in your heart. ये तब होगा जब आपका soul पूरी तरह से वापस आएगा, पूरी तरह से whole और complete हो जाएगा.
So when your soul will be whole and complete, you will hear this sound vibration in your heart. और तब आप अपनी लाइफ के साथ पूरी तरह हार्मनी में होंगे, पावरफुल होंगे और पूरी तरह से लव फीलिंग से भरे हुए होंगे. सो व्हेन योर सोल विल बी कंप्लीट एंड होल विद इन यू, यू विल फील वेरी वाइब्रेंट, पावरफुल एंड फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ. एंड But don't forget to the people to forgive them who gave you tough time in your life. So, जब आप ये soul retrieval exercise कर रहे हैं तो आप मत भूलिए कि जिन लोगों ने आज तक आपको परेशान किया है उनको आपको माफ कर देना है. बिना वो किए आपका soul कभी complete नहीं होगा. Forgive everyone who tortured you, who gave you tough time. Forgive them completely today. क्योंकि जब आप उनको फॉरगिव करेंगे तो आपकी सोल के ऊपर से भार हट जाएगा और आपकी सोल शाइन करने लगेगी. सो व्हेन यू फॉरगिव पीपल यू विल सी देयर इज अ लाइटनेस इन योर हार्ट एंड योर सोल विल स्टार्ट कमिंग बैक टू यू एंड इट विल बी कंप्लीटली इंटैक्ट इन योर बॉडी इन योर हार्ट, शाइनी, म्यूजिकल एंड पावरफुल. Breathe and breathe out into your soul now. अपनी soul जितनी भी आपकी complete हुई है उस soul के अंदर आप breathe in और breathe out कीजिए. सांस लीजिए deeply and महसूस कीजिए कि आप जैसे जैसे सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आपकी soul powerful हो रही है. तो as you are breathing in and out, your soul is becoming more powerful. More vibrant. And forgive people. सब लोगों को माफ कर दीजिए. और अपने स्पेस में वापस आ जाइए. कम बैक टू योर स्पेस. वेरी नाइस. अपनी फिंगर्स को मूव कीजिए. यस, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं पर अभी अपनी जगह से मत हिलिए आप. और अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रख लीजिए. प्लेस योर बोथ ऑफ योर हैंड्स ऑन योर हार्ट. फील द वाइब्रेशन ऑफ योर हार्ट. अब एक डीप ब्रीथ करने के बाद आप अपना हाथ हटा सकते हैं. सो नाउ जस्ट डीप ब्रीथ एंड देन स्लोली रिमूव योर हैंड फ्रॉम योर हार्ट एंड यू कैन ओपन योर आईज. अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. यही एक्सरसाइज जब आप अट्यून्ड हो जाएंगे ना गॉडेस आइसिस की एनर्जी के साथ तब आप करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. अभी इट इज जस्ट एक्सरसाइज है ये, मतलब वो पावर नहीं है अभी उसके अंदर. तभी भी ये बहुत पावरफुल है. तो शामनिज्म में भी करते हैं ना तो वहां पे भी गॉड एंड गॉडेसेस, स्पिरिचुअल गुरुज और स्पिरिचुअल मास्टर्स, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है तब वो बहुत पावरफुल हो जाते. तो यहाँ पे सिर्फ गॉडेसेस आइसिस के साथ ही आप इतना पावरफुल कर सकते हैं. अनीता जी आप बहुत रेस्टलेस थे. कफ, हेड कफ. हाँ, आई वाज हैविंग कफ. आपको सोल रिट्रीवल की जरूरत है, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की जरूरत है.
आपको बहुत पावरफुल फील होगा.